नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई विदेश में काम करते हुए लोग लड़ते क्यों हैं, धमकी क्यों देते हैं एक दूसरे को, फिर अंदर जिंदगी भर जेल में क्यों रहते हैं। ये वीडियो मैं रिक्वेस्टेड पे बना रहा हूँ कि एक बंदे का मुझे सऊदी से एक मैसेज आया कि सर एक आदमी है वो मुझे धमकी देता है मारने की। जी हाँ, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि आप लोगों को अगर कोई धमकी दे, लड़ाई करे तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या स्टेप हैं, और कुछ और भी मोटिवेशन बातें मैं बताऊंगा कि कम से कम यार थोड़ा सा रुक जाएं, वहाँ जेलों में नहीं सड़ना पड़े। विदेश की जेलें, खास तौर से गल्फ की जेलें ऐसी हैं कि इतना सा जुर्म करोगे तो इतनी सी सज़ा मिलती है, आप सबको पता ही होगा। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, विदेश में काम करते हुए लोग आपस में लड़ लेते हैं, धमकी देना हम तेरे को मार देंगे, ऐसे वीडियो आते भी हैं, वीडियो क्या न्यूज भी आती है, लोग मार के जेल में चले जाते हैं, फिर घर वाले इधर जिंदगी भर रोते रहते हैं। देखिए, हम आपको 5-6 टॉपिक के माध्यम से, मैं पॉइंटों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग विदेश में कमाने के लिए गए हो यार, लड़ने के लिए थोड़ी गए हो। लड़ने के लिए तो यहाँ पड़ोसी बहुत है आपका, उसी से लड़ दो ना इंडिया आके। कम से कम पड़ोस की जेल में तो रहना पड़ेगा ना आपको, अपने घर की जेल में पास में ही, वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी आपको, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। विदेश में भाई पैसा कमाने के लिए गए हो, टारगेट करके, गर्दन नीची करके, सबसे हाथ जोड़ के, प्रेम से काम करके, दो पैसे कमा के घर भेज दो, जब आपका काम पूरा हो जाए तो इंडिया आ जाओ, बात खत्म। ये तो हो गई एक अच्छी बात, ठीक है। उसके बावजूद मान लीजिए प्रेम से रहना चाहिए यार, लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई आप। कोई अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर। वो फिल्म देखी होगी आपने, मजनू भाई, कौन सी पिक्चर थी वो, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, वो है ना, सही बात है, नाना पाटेकर का डायलॉग। अगर उस टाइम थोड़ा कंट्रोल कर लोगे तो लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। अगर उसी दौरान अगला आपके ऊपर तैयार है, आप उसके ऊपर तैयार हो जाओगे, तो फिर जेल आपके पड़ोस में है, नियर की पुलिस आके उठा के लेके जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। लड़ते क्यों है भाई, कारण क्या है? विदेश में कमाने जाने वाला बंदा लड़ता क्यों, आखिर जेल पहुंच जाता है? कई कारण हो सकते हैं। पैसों का लेन देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है विदेश में, उस वजह से आपस में तू मैं हो जाती है, वो बड़ा रूप ले लेता हाथापाई, मेरे किसी के हाथ में कुछ आ गया तो मार देता है, फिर वो या तो घायल हॉस्पिटल में जाओ या फिर वो ऊपर चला जाता है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पहला कारण हो सकता है पैसों का मामला, या फिर एक गांव के आस पड़ोस के लोग रहते हैं वहां पे, मेट्रो इंडिया में होता है आपस में वो लड़ते हैं। अभी एक जानकारी आई थी ना कि पाकिस्तान में दो महिलाएं लड़ रही थी आपस में, और उनके पति वहां दोनों आपस में एक जगह रह रहे, तो वो वहां की पाकिस्तान की लड़ाई दुबई पहुंच गई, वहां आपस में लड़ मरे, वो लड़ते लड़ते एक दूसरे के पता नहीं क्या क्या लगा दिया और वो उनको पुलिस उठा के लेके गई। या फिर आपस में कोई बर्तन धोने को, कपड़े धोने को, काम को, साफ सफाई को, एक कमरे में रहते हैं तो ऐसी वाक्य होते, तो थोड़ा भाई इन पर थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा समाधान करिए, कमेटी बनाइए, अपने आपस में काम डिवाइड कीजिए कि भाई ये तू कर वो कर, तो थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। अगर कानूनन की बात करें तो भाई कोई ये आपस में लड़ाई हो जाती है, आपको मारने की धमकी देता है, या फिर वो आपका कोई सामान, ऐसी कोई भी धमकी देना जो आपके लिए नुकसान हो, तो उसकी कंप्लेन आपको करनी चाहिए भाई। पहले तो उसको समझा दो कि भाई मान जाओ मैं तेरी पुलिस में कंप्लेन करूंगा, फिर भी नहीं मानता है तो वो आप जब तक इंतजार मत करिए तब तक वो आपके ऊपर हमला करता है, आपस में आप लड़ नहीं लेते, उससे पहले आप उसकी कंप्लेन कर दें ताकि वो नॉर्मल तरीके से वो सलट जाएगा, ठीक है जी। आप इंडियन एम्बेसी में भी उसकी शिकायत कर सकते हैं, जी हाँ, हालांकि ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, इंडियन एम्बेसी में आप ईमेल के माध्यम से या फिर पत्र लिख के एप्लीकेशन देके उस बंदे का नाम, पासपोर्ट नंबर, जो भी डिटेल आप दे सकते हैं कि ये बंदा मुझे मारने की धमकी दे रहा है, लड़ाई करने की धमकी दे रहा है, या एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इंडियन एम्बेसी में आपको शिकायत कर सकते हैं, वो आपके लिए बैठे हैं। दूसरी, आपको अगर ये भी नहीं करते हैं तो आप कंपनी में शिकायत कर सकते हैं, जिस कंपनी में का बंदा वो है, तो कंपनी में क्योंकि लगभग आप लेबर कैंप में रहते हैं, वहीं आपकी आपस में लड़ाई होती है, तो कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है, तो कंपनी में आप उसके खिलाफ में कंप्लेन दे सकते हैं कि ये बंदा मुझे इसी तरह से मारने की धमकी दे रहा है, तो कंपनी फिर अपने स्तर पर उसकी कार्रवाई करेगी, उसको समझाएगी, वो बंदा मान जाएगा। उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन बनता है इंडिया का। अब आप बोलोगे यार इंडिया मैटर तो विदेश का, इंडिया में क्या हो सकता है भाई, हो सकता है बिल्कुल, इंडिया में भी उसके खिलाफ में ईमेल द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बंदा अपने साथ चोट पहुंचा सकता है, अपने साथ गड़बड़ कर सकता है, तो आप जिसके साथ रहते हो उसका एड्रेस भी आपके पास होता है, लगभग होता है, क्योंकि मेरे पास जिस बंदे का कॉल आया उसने पूरी डिटेल बताई, यहाँ का है, ये फोटो भी उसने भेजी, तो उसके नियर में ईमेल द्वारा एड्रेस वगैरह सब मिल जाता है भाई आजकल, उसके ईमेल पे आप एड्रेस भेजिए कि इस तरह से आपके पुलिस स्टेशन का बंदा मुझे धमकी दे रहा है, तो ये एक आपका बचने का एक प्रूफ होता है। 8 पॉइंट मैंने आपको बताए, आप आजमा के देखना, हकीकत में आपको रिजल्ट मिलेगा। ये जो प्रेम से काम करना, कारण क्यों, इसका समाधान,
सब समझ गए आपको, रिकॉर्ड कम आपका उसके का रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन आपके पास उसका वीडियो बना लो, अगर आपको गाली दे रहा है, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, आपका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होगा, कोई एविडेंस होगा, तो वो एक आपके काम आने की बातें हैं। फिर जैसे उसके पास ये बात पहुंचती है कि यार उसने कंपनी में शिकायत कर दी, एम्बेसी में कर दी, या फिर इंडियन पुलिस शिकायत कर दी, या और कोई वो शिकायत, वो तो फिर उसको समझ में आ जाती है कि भाई दाल गलने वाले नहीं, आराम से काम कर ले ताकि आपके लिए अच्छा होगा। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था, विदेश में काम करने जाने वाले लोग लड़ाई झगड़ा न करके इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके जो मैंने पॉइंट बताए उसके आधार पर समाधान करके और आराम से तसली से जॉब करते हुए इंडिया आ जाएं, आपका जीवन सक्सेस हो जाएगा, वरना भाई वहां की जेलें तो तैयार ही, आप सबको बताइए। बस ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।